नमस्कार मित्रों, लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, स्वप्न फल सीरीज में आइए कुछ ऐसे पांच सपनों की बात करते हैं मित्रों, जिनसे हमें संकेत मिलता है कि आने वाले समय में मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे सपने जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे सपने अगर आ रहे हैं मित्रों तो कृपया सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसे सपनों के बाद मृत्यु के संकेत मिलते हैं मित्रों। तो आइए जानते हैं कि ये सपने क्या हैं मित्रों। तो मित्रों, जानने से पहले लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के लाइफलाइन एस्ट्रो चैनल से जुड़ जाएं। मित्रों, आइए जानते हैं मृत्यु को संकेत देने वाले सपनों के बारे में मित्रों। तो ये सपने पांच हैं जो आपको बताते हैं। नंबर एक है, जो व्यक्ति सपने में बुझता हुआ दीपक देखे, बुझता हुआ अगर दीपक देख रहा है कोई सपने में, तो ये अशुभ होता है, ये मृत्यु का संकेत होता है मित्रों। ये अच्छा सपना नहीं माना जाता है, सावधान होने की ज़रूरत है मित्रों। नंबर दो पे आता है, सपने में अगर आप नाखून काटते हुए देखते हैं अपने, नाखून काटते हुए अगर आप देख रहे हैं अपने सपने में, तो ये मृत्यु का संकेत होता है मित्रों, सावधान होने की ज़रूरत है मित्रों। तीसरा सपना है, सपने में काले फूल अगर आपने देखे हैं तो ये मृत्यु का सूचक माना जाता है मित्रों। और ये भी माना जाता है, अगर मृत्यु टल भी गई तो मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर मिलता है मित्रों। ये सपना अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ सपना होता है। और पांचवें नंबर पर है, अगर कोई व्यक्ति सपने में अपनी माला उतार कर किसी को पहनाता है तो जल्द उसकी मृत्यु हो जाती है मित्रों, ये सूचक है सपना। तो मित्रों, हमने बताया पांच प्रकार के सपनों के बारे में जो मृत्यु को संकेत देते हैं मित्रों। तो ये भविष्य में संकेत देने वाले सपने हैं मित्रों, तो सावधान होने की ज़रूरत है आपको। कोई 100% सपना सच नहीं होता है, लेकिन संकेत जरूर होता है मित्रों, तो सावधान रहने की ज़रूरत जरूर होती है। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।